तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बैग एंड फोर्स होता ना, पढ़ा है हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में, क्योंकि प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता तो वो तो वही है, और उससे आगे भी पढ़ पाए तो बर्नौलीज थ्योरम वगैरह पढ़ लेंगे, ये चीज़ें प्लान है भी पढ़ने का। तो आपको ये मालूम है कि जब भी किसी फ्लूइड के अंदर जब कोई हम बॉडी को सबमर्स्ड करते हैं पार्शली और फुली, आंशिक रूप से या पूर्णता, पार्शली या फुली, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है ना, अपथ्रस्ट लगता है, उस अपथ्रस्ट को ही हम बोलते हैं बैग एंड फोर्स। और ये अपथ्रस्ट कैसे मालूम पड़ता है, तो अगर आप किसी मग जिसे हम नहाते हैं, मग प्लास्टिक वाला, अगर शावर नहीं लेते बाल्टी से नहाते तो मग्गा इस्तेमाल करते हो, तो उस मग्गे को उल्टा करके अगर आप पुश करने की कोशिश करें पानी के अंदर, तो आपको ये महसूस होगा कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस फील हो रहा है, नीचे से एक फोर्स लग रहा है, और थोड़ा डूबने के बाद अगर आप छोड़ दें मग्गा तो क्या करेगा, उसकी सरफेस पे आ जाता है। तो अगर वो छोड़ने पर आ रहा है तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा होगा तभी आया, वरना क्यों चलता, वो आ जाता नहीं आ जाता। तो इस तरीके से छोटे मोटे एग्जाम्पल जो लाइफ से जुड़े होते हैं उनको महसूस कर सकते हैं कि नहीं पे यहाँ पर अपथ्रस्ट लग रहा है। और इसी जब भी अपथ्रस्ट लगता है तो सेकंड सिचुएशन ये खड़ी होती है कि आखिर ये जो अपथ्रस्ट लग रहा है, ये बैग एंड फोर्स लग रहा है जो, वो बैग एंड फोर्स की वैल्यू कितनी होती। अब अगली स्टेज ये होती है, तो बैग एंड फोर्स अगर जो लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होने वाली। तो ये आर्किमिडीज साहब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से फेमस है, और उनका प्रिंसिपल एक लाजवाब था जो वो देखे गए थे, और इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको पता होगी। वो एक हौदी रहती थी पहले, हौदी का मतलब था बहुत बड़ा सा एक पॉन्ड सा बनाते थे आर्टिफिशियल, और उनमें एक साथ उस जमाने में लोग एक साथ नहाते थे, पानी भर देते थे, जैसे गाँव वाँव में ट्यूबवेल से पानी भर देते ना वो बड़े से में, और 10 लोग घुस जाते नहाने, देखा होगा आपने, देखा नहीं होगा तो फिल्मों में देखा होगा, और अपना वो बढ़िया साबुन वाबुन लगा के नहा लेते हैं। तो उस ज़माने में ऐसा ही था कि बड़े बड़े पौंड हुआ करते थे, उसमें आदमी एक साथ 10-10, 20-20, 25-25 लोग नहा लेते थे। तो जब वो आर्किमिडीज साहब साइंटिस्ट थे, सोचा करते थे दिन भर रात भर, दिमाग चलता रहता था, सोच रहे होंगे अपने हाथ में एक लोटा लेके गए थे नहाने, लेकिन और कैसे पानी डालेंगे, डुबकी मारनी पड़ेगी। तो पता लगा, उन्होंने लोटा पानी के अंदर डाला और लोटा हाथ से छूट गया। जब लोटा हाथ से छूट गया तो क्या देखा उन्होंने, वो ब्लूप करके ऊपर आ गया लोटा। अब वो तो साइंटिस्ट आदमी, उनको क्लिक कर गया कि अरे यही तुम्हें ढूंढना था, ही आता है। अब उनको बैग एंड फोर्स एकदम चमक गया कि ये बैग एंड फोर्स होता है। बस वहीं से वो चिल्लाते हुए यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे, और वो भूल गए अपने कपड़े पहनना, जैसे नहा रहे थे वो वैसे ही वो दौड़ पड़े राजा के पास दरबार में जाने के लिए। तो उन्होंने कुछ, उनको याद नहीं रहा, साइंटिस्ट आदमी को वैसे ही नहीं याद रहता, वो तो बस खोया रहता अपने आइडियाज़ में। वो लेके अब लोगों ने देखा पागल लागल हो गए हमारे अच्छे खासे साइंटिस्ट हैं, वो खसक गए लग रहा है, अब ऐसे ही दौड़ लगा रहे। बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, अरे साहब रुक जाइए ये वो, लेकिन वो भाई साहब पहुँच गए दरबार में अपना सीधे दौड़ लगाते हुए। तो वहाँ बाकी लोगों ने उनको कपड़े वपड़े दिए, फिर राजा को उन्होंने अपनी बातें बताई कि साहब ये चीज़ हमने खोजी। तो फिर जब राजा को ये बताया तो राजा के लिए किसी इन्वेंशन का मतलब तब बनेगा जब वो कोई एप्लीकेशन बन जाए, हमारा यूज़फुल हो जाए, वरना तो ठीक है यार इन्वेंट कर लिया गुड, लेकिन उसका इस्तेमाल तो करो। तो उन्होंने उस ज़माने में राजा का जो मुकुट होता था सोने का, तो सोने वाले काम कौन करते थे, जौहरी लोग, ज्वेलर्स, आज भी वही करते हैं। तो राजा कहते थे कि हमारा प्योर बनाओ 24 कैरेट का, 100% गोल्ड, कैरेट सुना होगा ना, गोल्ड में चलता है 22 कैरेट 18 कैरेट 20 कैरेट 24 कैरेट का मतलब होता है 100% प्योर। तो ज्वेलर्स क्या करते थे, उसमें से वो सोना मार देते थे, 24 कैरेट बोला और मुकुट कितने का बना दिया, 22 कैरेट का। अब वहाँ राजा जी को समझ में आ रहा है कितना पड़ा है, उसको जानने के लिए तो ज्वेलरी चाहिए, सब मिले हुए।
और राजा को चूना लगाते जा रहे, और राजा साहब क्या करेंगे अपना। तो आर्किमिडीज ने फिर उनके जो रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर फंडे को इस्तेमाल करके उनके मुकुट में कितना सोना लगा है इसको कैलकुलेट किया और बताया उनको कि चीटिंग हो रही है राजा साहब, ये 22 कैरेट का है, वो जो ज्वेलर है अपना मूर्ख बना रहा है 24 कैरेट। तो राजा साहब बड़े गुस्सा, उसको बुलाए, वो फिर सख्ती से काम लिया गया, सज़ा दी जाएगी, ये दी जाएगी, उसने उगल दिया। फिर तो उसके बाद उसको सज़ा दी गई और ये जो चोरी थी ऐसी चोरियों को पकड़ा गया, बाकी तो और भी चीज़ें की गई होंगी लेकिन जो स्टोरी ये की है। तो राजा जी का जो इमीडिएट, क्योंकि वो शौकीन थे मुकुट बनाने के, हर आदमी को शौक होता है, हो सकता है किसी को टी शर्ट का शौक हो, किसी को जूते का शौक हो, किसी को कुछ ना पहनने का शौक हो, तो तरह तरह के शौक होते हैं आदमी के। तो उस सिचुएशन में उनको मुकुट का शौक था, होते हैं ना कई लोग बॉडी बनाते शर्ट नहीं पहनते, सलमान खान बना के बढ़िया बोला एक इम्प्रेशन, तो ऐसे ही तरह तरह के शौक रहते हैं अपने पास। तो राजा जी का जो मुकुट था उसमें बड़ी चोरियाँ पकड़ी गई और उससे बड़ी बातें बनी, मतलब बड़ी सफलता रही। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज था, लेकिन बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा क्या था अपने से, बैग एंड फोर्स तो समझ रहे हैं, तो बैग एंड फोर्स जो लगता है या फोर्स ऑफ बायंसी लगता है, ये फोर्स की वैल्यू होती कितनी है। ठीक है किसी फ्लूइड के अंदर कोई चीज़ आप डुबोएंगे, समर्स करेंगे, लगेगा फोर्स, डाला फोर्स लगा, कितना लगा, क्योंकि जब तक ये ना पता चले कितना लगा तब तक उसका हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। कोई चीज़ फायदा करती है तो कितना फायदा करती है, कोई चीज़ नुकसान करती है तो कितना करती है, तभी तो उसका एक एक फायदा ले पाते हैं हम लोग, ऑप्टिमम है कि नहीं बनता। तो आर्किमिडीज ने जो बताया, और आपको मालूम भी है कि अगर हम फ्लूइड में समझाने के लिए, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई लिक्विड डाल देते, बाकी तो फ्लूइड के लिए सेम है, और इसको क्या करते हैं बेसिक सिचुएशन, इसको अप टू द ब्रिम, हिंदी में लबालब, भर देते, एक बर्तन ले लिया अप टू द ब्रिम, इसको भर दिया। अब समझने के लिए हमने यहां पर एक ट्रे लगा दी, चलो ट्रे में रख दिया इसको, ट्रफ ले ली एक, उस ट्रफ में ऐसे इसको रख दिया, और इसके अंदर एक बॉडी हमने सबमर्स्ड की, ऐसे डाली, डुबोई। जब इसके अंदर भी बॉडी को डुबोएंगे, पार्शली सबमर्स्ड की है तो पानी अप टू द ब्रिम है, लबालब भरा हुआ है, तो ये छलकेगा, पानी गिरेगा ना, तो यहां से पानी ऐसे छलक के इसके अंदर आ गया, आ जाएगा छलक के। अब क्या किया, जितना पानी छलक के निकला है, आर्किमिडीज ने बोला कि ये जितना पानी डिस्प्लेस हुआ यानी छलक के बाहर आ गया है, इसका वेट कर लीजिए आप, यही वेट के बराबर इस पे अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है। अपथ्रस्ट ये बैग एंड फोर्स, जिसे आप बीएफ कह सकते हैं शॉर्ट में, ये अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लग रहा है, किसके बराबर, जितना वाटर या जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई, यानी अब हम कैलकुलेट कर सकते थे कि इस बॉडी पर कितना बैग एंड फोर्स लग रहा है। आ रही बात समझ में, अभी थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन और बना देते हैं हम लोग। तो चलिए बनाते हैं, पहले बैग एंड फोर्स होता क्या है, फोर्स, तो ये तो बैग एंड फोर्स हो गया आपका। अब देखिए जो बॉडी आपने इसके अंदर सबमर्स्ड की है, वेट ऑफ सॉलिड, अगर हम वेट ऑफ सॉलिड लेके चलें, वेट, तो वेट होता है किसके बराबर, एम जी के बराबर, तो मास ऑफ सॉलिड इंटू स्मॉल जी, मास ऑफ सॉलिड डी इज इक्वल टू एम बाई वी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। ये जो फोर्स है किधर एक्ट कर रहा होगा, ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट है उसका, जो वेट है वो किधर एक्ट करता है, हमेशा डाउनवर्ड। कितना डिस्प्लेस होगा वाटर या फ्लूइड, तो वाटर डिस्प्लेस्ड, जब ये डिस्प्लेस होने जाएगा तो मान लीजिए मास ऑफ वाटर आया इंटू जी, अब यहां पे वैल्यू लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है
वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, जितना आप सबमर्स करेंगे उतना ही वॉल्यूम गिरेगा बाहर, ये मालूम है हमको। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्स रो ओमेगा इंटू जी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों बराबर है यहाँ पर। तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ या कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्स्ड जितना डूबा है, रो वाटर सीजीएस सिस्टम में कितना होता है ये आप याद कर लीजिए, याद होगा भी वैसे, वन होता है विथ यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रो ऑफ वाटर इन एसआई सिस्टम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी। तो ये हमको मालूम होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों सिचुएशन अंदर बन गई, इसको डुबाया और इसके ऊपर अपथ्रस्ट भी लग रहा है, वैगन फोर्स लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो अपेरेंट वेट कितना होगा? देखिए, एक बॉडी अगर पानी के अंदर है या किसी फ्लूइड के अंदर है तो उस पर एक वेट लग रहा है नीचे mg, और एक अपथ्रस्ट लग रहा है वैगन फोर्स, तो आप इसका अपेरेंट फोर्स अपेरेंट वेट कितना होगा, वेट में से वैगन फोर्स घटा दें उतना वेट पता चलेगा। तो अपेरेंट वेट, एक्चुअल वेट माइनस बैग एंड फोर्स, एक्चुअल वेट कितना था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रो ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड डूबा जितना है। इसको चाहें तो आप इसको अलग से वी डैश कर सकते हैं। वी डैश क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमेशा एक्चुअल वेट में वी फुल आएगा वॉल्यूम, चाहे वो डूबा हो चाहे ना डूबा हो, लेकिन ये जो वॉल्यूम होगा कौन सा होगा, जो डूबा है। समझ तो पा रहे, वॉल्यूम इतना बड़ा लेकिन डूबा आधा, तो जो आधा डूबा उसकी बात यहां लिखनी पड़ेगी, और इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ वाटर वी एस, अगर इसको लिखना चाहे वी, अगर दोनों केस में पूरा डूबा है तो बराबर, वरना ये अपरेंट वेट आ जाएगा, ये अपरेंट वेट होगी, कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, बहुत ही जानते हैं आप, ठीक है। अब आगे पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, कोई भी चीज तैरती कब है, तो सभी को मालूम है तैरेगी जब जब ये दोनों फोर्सेस बैग एंड फोर्स और वेट उसका बराबर हो जाए, बराबर होगा तो तैरेगी। तीन कंडीशन हो सकती है, कंडीशन भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या तीन कंडीशन हो सकती है रिगार्डिंग फ्लोटेशन, तो पहली कंडीशन हो सकती है कि आपका वेट, आपका मतलब जो बॉडी सबमर्ज की जा रही है, वेट इज ग्रेटर देन बैग एंड फोर्स, अगली हो जाएगी वेट बैग एंड फोर्स के बराबर, और तीसरी हो जाएगी वेट कम है बैग एंड फोर्स से, बैग एंड फोर्स ज्यादा, वेट इज ग्रेटर देन बैग एंड फोर्स। इस सिचुएशन में अगर बॉडी ऐसे फ्लूइड के अंदर है तो ये वेट हो गया ज्यादा और बैग एंड फोर्स हो गया कम, तो इस बॉडी का क्या होगा, डूब जाएगी ये, और डूब के बॉटम में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक। और डेंसिटी के टर्म में बात की जाए तो क्या बोलते हैं कि जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या वाटर लिख देते हैं यहां पर, फ्लूइड का मतलब है इससे ज्यादा होती है डेंसिटी तो वो डूब जाता है। बात समझ में आ रही पूरी तौर पे, सारी बातें 9 में पढ़ी हुई हम लोगों ने। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जब वेट की वैल्यू यानी mg की वैल्यू बराबर हो जाती है बैग एंड फोर्स के, वेट और बैग एंड फोर्स दोनों बराबर, अगर वेट और बैग एंड फोर्स बराबर तो क्या होगा, तैरना शुरू कर देगी ये, और कैसे मजे से तैर सकती है ये,
अब अगर आपने इतना वेट इसको डुबाया और इतने में ही वेट तो पूरा काम कर रहा है, इतने में ही इसको कितनी वैल्यू मिल गई, उतना बायगेंड फोर्स मिल गया जो उसके वेट के बराबर है, तो और डूबने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, तो ऐसे ही तैरना शुरू कर देगी। बात समझ पा रहे हैं ना, ये जितना डूबेगा उतना बायगेंड फोर्स बढ़ेगा, वॉल्यूम समर्ज बढ़ाएंगे तो बायगेंड फोर्स बढ़ेगा, फॉर्मूला देखा था बायगेंड फोर्स का, ये जितना सॉलिड डुबाते चले जाएंगे, इसको वी डैश कर लीजिए जिससे इससे अलग लगे, उतना उसका बायगेंड फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो इतना ही डूबने पर ही इसके वेट के बराबर बायगेंड फोर्स मिल गया, तो बाकी क्यों डूबेगा, वो तैरने लगी इसी बॉडी, आ रही बात पकड़े। अब देखिए यहां पे क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के टर्म में लिख दीजिए, अगर वाटर की डेंसिटी और सॉलिड की डेंसिटी दोनों डेंसिटी बराबर है तो ये फ्लोटेशन होता रहेगा इस तरीके से। अब तीसरी बात, अगर वेट की वैल्यू लेस है बैग एंड फोर्स से, वेट की वैल्यू लेस है बैग एंड फोर्स से, फिर क्या होगा जी, वाटर सरफेस पर रहेगा। अगर वेट आपका कम हो गया बैग एंड फोर्स से तो बैग एंड फोर्स ज्यादा हो गया तो सतह पर एकदम आ जाएगी सिचुएशन और सतह पे तैरने लगेगी। ये जो सिचुएशन हमने बताई है वेट बैग एंड फोर्स के, ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है और पता लगा ये पूरा डूब के बराबर करेगा तो नीचे ऐसे भी तैर सकती है, वेट अगर बैग एंड फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। और इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, इस सिचुएशन में वेट बैग एंड फोर्स से कम है तो ये कैसे तैरेगी, ये बिल्कुल एकदम ऐसे तैरना शुरू कर देगी। ऐसा तैरने का मतलब है जैसे थर्माकोल डाल दीजिए तो बिल्कुल जरा सा टच होता है वो, बाकी कैसा रहता है, तैरता रहता है, क्योंकि उसका वेट काफी बैग एंड फोर्स से कम होता है। बाकी ये सिचुएशन मिल सकती है इसमें, और इसमें ऐसी सिचुएशन भी मिल सकती है जो इस तरीके से हो कि पूरा डूबने के बाद बैग एंड फोर्स मिला, तो ऐसा भी तैर सकता है बॉडी कि पूरा डूबा तो बैग एंड फोर्स बराबर हुआ वेट के, उतरने लगा ये। अब इसके बाद भी अगर वेट बढ़ गया तो नीचे सिंक कर जाएगा, और इससे अगर कम हुआ बैग एंड फोर्स ज्यादा हुआ तो ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हुआ तो ये सिचुएशन हो जाएगी, इससे ज्यादा मैं हवा में नहीं जा सकता, टच तो करना ही पड़ेगा, है ना। ये सोच ले कि बैग एंड फोर्स ज्यादा है तो रॉकेट की तरह उड़ा देगा, तो ये नई सिचुएशन नहीं हो सकती कभी, क्योंकि ये कब काम शुरू होगा, जब दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आएंगे। बस कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें, प्रशांत शुक्ला समझ गए, ये सारी वही बातें जो क्लास 9th में किसी समय में आपने सीखी थी। तो ये कब ये डूबेगा कब नहीं डूबेगा, ये तैरेगा तो कैसे तैरेगा, ये सिचुएशन तब की है, और बाकी ये बैग एंड फोर्स है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या चीज समझ में आती है, क्या बोलते हैं, व्हेन यू समर्ज ए सॉलिड फुली पार्शली और फुली इन ए फ्लूइड देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट, ए फोर्स ऑन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द थ्रस्ट इज इक्वल टू द फ्लूइड मास वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। तो इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इसको नोट कर लें आप। अब देखिए इसके आगे हम लोग और बात समझेंगे, जो हम लोग मूव करेंगे बर्नौली थ्योरम की तरफ। तो बर्नौली थ्योरम को समझने से पहले कुछ बातें हमें क्लियर करनी पड़ती हैं कि क्या बातें कैसी हैं, क्या मतलब है। जब वो बातें हम सीख जाएंगे तो बर्नौली थ्योरम का पूरा, जो बर्नौली थ्योरम बोल रहा है वो हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग सीखते हैं। जैसे देखिए किसी लिक्विड में फ्लो कैसे बनता है, फ्लो ऑफ ए लिक्विड,
अगर एक पाइप लिया है आपने, पाइप में एक लिक्विड है, ये लिक्विड इधर से इधर कैसे जाएगा? ये तब जाएगा, यहां क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर इसको आगे बढ़ना है तो आपको इतना प्रेशर देना पड़ेगा, एक्सेस प्रेशर देना पड़ेगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा होगा, तभी इधर बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। ये एक्सेस प्रेशर देना पड़ेगा ना, तभी ये चलेगा। तो किसी भी लिक्विड में जब फ्लो होता है तो प्रेशर डिफरेंस होता ही होता है, वरना वो चलेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, क्यों चलेगा भाई? ठीक। तो जब कभी भी फ्लो ऑफ लिक्विड हमारे सामने आएगा तो कहीं ना कहीं से प्रेशर डिफरेंस मिल रहा होगा। जैसे हम बात करें कि अगर हम देखते हैं कि पानी को या फ्लूइड ढलान वाली जगह पे बहने लगता है ना, तो उसको फिर प्रेशर डिफरेंस या फोर्स कहाँ से मिलता है? तो अगर आप देखें कि ये स्लोप है और यहाँ पर कोई लिक्विड है जैसे, तो लिक्विड के पार्टिकल्स का वेट किधर काम कर रहा होगा? mg नीचे, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेते हैं हम लोग इस सरफेस के, और इसके पैरेलल एक वेक्टर लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या क्या बना सकते हैं हम लोग जी? हाँ, अगर ये थीटा कहीं मान ले इसको, तो इसकी वैल्यू क्या कह सकते हैं हम लोग? mg cos थीटा, और इसकी वैल्यू कर सकते हैं mg sin थीटा, जो भी कंपोनेंट आ रहे इसका रिएक्शन से ये बैलेंस हो जाएगा जिस पे, जिसके ऊपर ये बह रहा है। और ये जो mg cos थीटा है, ये इस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देगा या फोर्स प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से ये लिक्विड आगे फ्लो करता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? वरना ये क्यों फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। तो इसको इस तरीके से एक फोर्स मिल जाता है या प्रेशर डिफरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से स्लोप पर फ्लो होने लगता है। अब जब ये लिक्विड फ्लो होने लगता है तो इसके फ्लो को ब्रॉडरली हम लोग दो भागों में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, दो फ्लो होते हैं, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसका हम लोग। क्या क्लासिफिकेशन हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स, पहला है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन या स्ट्रीमलाइन फ्लो कुछ भी कह दीजिए आप, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो लिक्विड के फ्लो होने के तरीके का भी दो क्लासिफिकेशन है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता क्या है, कब हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो है? तो होता क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं, फ्लो की बात है तो बहेंगे, फ्लो करेंगे, ठीक। तो ये किसी पॉइंट पे इस तरह की इनकी नंबरिंग है, नंबर एक वाला पीछे है, नंबर दो वाला उससे आगे, तीन वाला और आगे, चार वाला और आगे, और नंबर पांच वाला और आगे। सबसे आगे कौन बनता? पांच नंबर। तो अब क्या देखेंगे कि ये अपने सीक्वेंस को कभी डिस्टर्ब नहीं करते, बहेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि पांच के आगे चार चला जाए, पांच के आगे एक चला जाए, पांच के आगे दो चला जाए, तीन के आगे दो चला जाए, कभी नहीं होगा। कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, बहुत देर बाद जब आप फिर से इसको देखेंगे तो आपको कैसे फ्लो नजर आएगा? वही पांच नंबर, वही तीन दो एक, यानी कैसे लाइन लगा के चलते। छुट्टी उट्टी होती तो शायद अब पता नहीं लाइन लगती नहीं लगती आप लोग की, लगती है तो अच्छा, कुछ स्कूलों में लगती है, कुछ स्कूलों में नहीं लगती, कोई बात नहीं, छोटे में तो हमेशा ही लगती थी, गिर जाते थे वरना हम लोग। तो उसी तरीके से निकलते हैं, एक लाइन सेट कर दी क्लास से निकल के,
गेट तक उसी लाइन में पहुंचेंगे जो भी रास्ता हमको तय करना है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। कोई भी कूदा फांदी नहीं होती, जंपिंग नहीं होती, बात समझ में आ रहा है ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। कहने का मतलब ये जो बनाया है इसको ऐसा ना समझिएगा कि हमेशा ये सीधे ही बहते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने नदी है, समझ लीजिए नदी के बॉटम में प्लेन सरफेस नहीं मिलती, उबड़ खाबड़ मिलती है, ऐसे मिल सकता है ना, पत्थर उत्थर पड़े हुए, पत्थर है, ऊंच गड्ढा है, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ, नदी की लाइफ है, समुद्र की लाइफ। तो यहाँ पर भी स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। तो उसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है ऐसे। तो ये नहीं समझना है कि हमेशा ये हम ये मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, बनाए नहीं, एक दो तीन चार पांच, यहां भी एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, वगैरह वगैरह वगैरह। ये नहीं समझना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ही चलना है, चलेगा जैसे चलना है, लेकिन चलेगा नंबर से ही, पांच वाला आगे, चार वाला पीछे, तीन वाला उसके पीछे, और वर्षा दो वाला उसके पीछे, और एक वाला उसके पीछे। कंफर्टेबल हैं आप? तो चलेगा इसी तरीके से, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। कभी भी किसी कंडीशन में इनकी पोजीशंस में गड़बड़ी नहीं होगी कि पांच पीछे हो जाए, नंबर तीन आगे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इस बड़े शरीफ लोग हैं सब, बड़े अच्छे से काम करते, एक के पीछे एक चलते रहते, कोई झगड़ा झंझट नहीं। तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। अब बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो में। तो इनका नाम में ही कुछ 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 लगता है। अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि मान लीजिए ये इस तरीके से चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे फ्लो कर रहे, ठीक। हम लोग थोड़ी देर बाद जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बीच में ये इधर कूद फान जाता है, ये कहीं और फान जाता है, कूदा फांदी हो जाती है। और कूदा फांदी होने के बाद हमें जो सीक्वेंस मिलता है इस तरह का हाथ लग जाता है, और भी किसी तरीका लग सकता है। कहने का यह मतलब है कि ये लाइन में नहीं चलते, ये फ्लो लाइन में नहीं चलता, ये हमेशा कोशिश करता रहता है कभी पीछे वाला जंप करके आगे आने के लिए। आ सकता है, आ नहीं भी सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस नहीं मेंटेन कर पाएगा, ये कूदा फांदी होगी जरूर। अगर ये पाइप के अंदर आप फ्लो करा रहे हैं, पाइप में भी कभी कभी बहुत तेजी से अगर पानी पीछे से आ रहा हो तो जब पानी निकलता है तो आपको देख के लगता है उथल पुथल हो रही है बहुत, इसमें सही तरीके से नहीं निकल रहा पानी आराम से, है कि नहीं पता, कभी महसूस आपने किया नहीं किया, मुझे नहीं पता किया है। छोटा सा पाइप जो आता है, प्लास्टिक वाला पाइप जिससे हम लोग पेड़ों वेड़ों में पानी डालते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, देखे होंगे, उसमें बहुत तेजी से पानी फेंकने लगी है पीछे से नल से, नल की स्पीड तो कम होगी, वही मोटर लगा दीजिए खूब कस के भेज, तो आगे जो पानी निकलेगा आपको उथल पुथल टाइप का पानी निकलेगा, इट इज़ नॉट एक आराम से निकल रहा है, अजीब टाइप निकलेगा जैसे कि वो कुछ करना चाहता हो, लगता है ना बड़ा अजीब सा पानी। तो उस तरह का फ्लो मिलता है आपको। तो क्यों ऐसा होता क्या है कि जैसे ये पाइप है, कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर पानी तो जो जा रहा वही निकल रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ये तीन है अमर अकबर एंथोनी, समझ लीजिए अमर अकबर एंथोनी, अभी एंथोनी क्या चाहता आगे आना, तो क्या करेगा ये इसको प्रेस करेगा दीवाल को पाइप की, और प्रेस क्योंकि जगह तो है नहीं, तो प्रेस करके ये आगे चला जाएगा अगर ये फान नहीं चाहता है, और कोई इसके पास वे आउट नहीं। तो इस प्रोसेस में कर क्या रहा है, पाइप के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा है। तो क्या इतना प्रेशर हो सकता है पाइप फट जाए, हो सकता है बिल्कुल पाइप फट सकता है, आगे पढ़ेंगे भी इसके आगे, कि क्वांटिटी आएगी उससे ज्यादा अगर हो गया तो पाइप फट जाएगा। आ रही बात समझ में, क्या बता रहे टर्बुलेंट फ्लो में। तो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मेंटेन्ड नहीं रहते, पीछे वाला आगे वाला सब उथल पुथल मचाए रहते हैं।
जंप करके आगे जाने की कोशिश होती है। अगर वे आउट मिल गया तो बढ़िया है, वरना वो कोशिश करते रहेंगे कि हमें जाना है आगे। और पानी शांत जिस तरह से बहना चाहिए वैसा नज़र नहीं आता, झाग आने लगता पानी से, फेना निकलता पानी का, देखा होगा कुछ अजीब टाइप का मोशन आने लगते हैं उसमें, भावर टाइप के जो फॉग वाले नल होते हैं उसमें भी ये चीज़ होती है फ्लो में। उसमें क्या होता है, देखिए इस तरह से टर्बुलेंट फ्लो होता है, जो इन्होंने बताया कि जो नल होते हैं, नल की मतलब शुद्ध हिंदी में टोटी आती है, नल टैप अंग्रेजी का टैप। तो अगर आप ये नल देखें, एक पुरानी डिज़ाइन के नल बना देते हैं हम, जब नल से पानी निकलता है इसका ऊपर वो भी तो होगा ये बन गया नल। अब इस नल से पानी निकलना शुरू हुआ, आपने खोला नल बढ़िया, तो जब पानी निकलता है तो आपने देखा होगा कि शुरू में यहाँ पर पानी आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है, साफ दिखता है, साफ की सप्लाई होनी चाहिए नगर महापालिका या जहाँ से भी आ रहा है, गंदा आ ही रहा है तो कहाँ साफ दिखेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि साफ शुद्ध पानी आ रहा है हमारे घर में, तो जब आप नल खोलेंगे तो यहाँ से पानी जो गिर रहा होगा नल से पानी निकलेगा, तो यहाँ पर जब टोटी के क्या बोलना चाहिए ओपनिंग के पास जब आप देखेंगे तो आपको साफ ट्रांसपेरेंट दिखेगा पानी, साफ क्लियर। और थोड़ी देर में जब ये नीचे पहुँच जाएगा तो आप क्या देखेंगे, ये पानी एक लाइन बनने लगे थोड़ा फैल भी जाता है, थोड़ा फैलता भी है और यहाँ झाग टाइप आ जाता है, साफ नहीं दिखता इसके उधर। अगर पीछे देखना चाहें तो देख नहीं पाते आप, क्यों होता है, क्योंकि तो यहाँ पर जब निकलता है तो उसकी स्पीड कम रहती है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं रहता, स्टीम लाइन फ्लो रहता है, स्टीम लाइन में दिख रहा होता है, और स्पीड बढ़ जाती है आप देखते हैं। जब इसकी स्पीड बढ़ जाती है, अभी वो भी देखेंगे, स्पीड बढ़ जाने की वजह से ये कैसा फ्लो बन जाता है, टर्बुलेंट, और टर्बुलेंट बनने की वजह से आप में उथल पुथल मचने लगती है, तो वो साफ दिखना बंद हो जाता है। ठीक, तो ये टर्बुलेंट फ्लो थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे। आपने और देखा होगा कि नदी के अंदर अगर कोई बड़ा सा पत्थर पड़ा हो, बड़ा सा पत्थर है गोमती नदी अपनी जो है, मान लीजिए यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है और नदी आ रही है, पानी आ रहा है नदी, तो आपने देखा होगा कि जब पानी आता है तो जो पानी इसके पास आएगा उससे टकराएगा और टकरा के कभी कभी घूम के ऐसे आ जाता है पानी, ऐसे आएगा घूम के ऐसे आ जाएगा पानी, अगला पानी मारेंगे तो अगला ऐसे आएगा फिर ऐसे बह जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कुछ थोड़ा सा ऐसे फ्लो बनने लगेगा। ये पत्थर है, ये क्या है, स्टोन, बिग स्टोन। तो पानी की रफ्तार बढ़िया बनी हुई है, जब इससे टकराता है तो पानी यहां देखेंगे तो यहां उछलेगा भी पानी पत्थर से लड़के, यहाँ पानी के झाग भी दिखने लगेंगे आपको, पानी की स्पीड अच्छी है, झाग दिखा होगा पानी का, झाग बुलबुले आने लगते हैं। अब यहाँ पे इसी स्टोन की जगह बड़ी उथल पुथल आपको दिखेगी, पानी टकरा रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है वगैरह वगैरह, और फिर बाद में शांति पकड़ेगा आगे। तो यहाँ पे ये कौन सा फ्लो होने लगा, टर्बुलेंट फ्लो, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं रह गया, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो उम्मीद है टर्बुलेंट फ्लो थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे कि क्या टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है। अब ये समझना जरूरी है कि लिक्विड जब फ्लो करता है तो कब तक ये स्ट्रीम लाइन रह सकता है और कब ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, कब हो जाएगा ये टर्बुलेंट फ्लो। तो इसके लिए जब देखा गया तो ये ऐसा पाया गया कि स्पीड एक वजह होती है। देखिए इसमें तो नदी में तो स्टोन मिला था हमको ऑब्स्टेकल, इसमें तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिला था, पानी गिर रहा था केवल, लेकिन यहाँ भी टर्बुलेंट हुआ, यहाँ भी टर्बुलेंट हुआ, तो समझ में क्या आता है कि ऑब्स्टेकल होना जरूरी नहीं है। यहाँ भी ऑब्स्टेकल नहीं था पाइप में, क्या इंपॉर्टेंस रख रही है चीज, स्पीड, यानी स्पीड एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा फ्लो या तो स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट बन जाएगा। ठीक है, अभी दो तीन बातों को दो दो लाइन लिख लेते हैं जैसे पूरी तौर पर समझ पाए हम लोग। ये बातें जो हम लोग समझ रहे हैं ये हमें कहाँ पहुँचाने वाली हैं, ये बर्नौलीज थ्योरम को पूरी तरह समझाने वाली हैं। उसके लिए पढ़ रहे हैं कि फ्लो कैसा
स्टीम लाइन क्या, टर्बुलेंट किया वगैरह वगैरह। ये स्टीम लाइन मोशन क्या होता है, यही बातें हम लोगों ने की थी कि वो अपना सीरियल मेंटेन्ड रखते हैं और सारी पार्टिकल की स्पीड कैसी होगी, बराबर, कांस्टेंट नहीं, बराबर। ठीक है, तेज भी चल सकते हैं धीरे भी, लेकिन सब एक साथ तेज होंगे एक साथ धीरे होंगे। टर्बुलेंट फ्लो, इसके अंदर क्या होता है, सबकी स्पीड सेम नहीं होती, किसी की ज्यादा होती किसी की कम होती टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। और वो हमेशा क्या कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तेज स्पीड वाला कम स्पीड वाले को ओवरटेक करना चाहेगा, उससे आगे बढ़ना चाहेगा, तो आगे बढ़ने चाहने में फिर वो झंझट फैलाएगा, कूदे फांदेगा, टर्बुलेंसी हो जाएगी उससे। इस टर्बुलेंसी का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, तो जो साइड वॉल्स हैं, साइड वॉल्स विल एक्सपीरियंस ए हाई फोर्स एंड समटाइम्स पाइप में ब्रेक डाउन, ये उसका इफेक्ट होगा। इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ये, क्यों होता है वर्षा, ये हाई स्पीड, ज्यादा स्पीड होने की वजह से टर्बुलेंसी हो जाती है ना। अब आगे कि आखिर ये हाई स्पीड है तो कितनी हाई स्पीड, कहां तक, तो एक वेलोसिटी का नाम आता है जिसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको हम लोग वीसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज दैट वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है आयुषी बेटा, वो क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे मिलेगा स्ट्रीमलाइन और क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर मिलेगा टर्बुलेंट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो एक तरीके से इन दोनों का इंटरफेस है, बाउंड्री है वो, कि उससे ज्यादा वेलोसिटी अगर हो गई तो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, है ना, और कम रहेगा तो स्ट्रीमलाइन चलेगा ये। अब अगली चीज आती है, क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना मेगा। अब अगली चीज आती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये क्या होता है, बड़ी आसान बात ये भी, तो इसी के आगे हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कि मान लीजिए एक नदी है और इस नदी का ये बॉटम है, बॉटम समझते हैं, फिर उबड़ खाबड़ है, पत्थर हैं, कुछ गड्ढे भी होंगे, ये गड्ढा आ गया और तगड़ा गड्ढा बना दो, ऐसे इस तरीके से हैं पत्थर गड्ढे ऊंच नीच है ना, इसके अंदर पानी बह रहा है, ये पानी पूरा पानी भरा हुआ है। अब पानी का ऊपर तो लेवल सेम रहता है, तो ऊपर तो लेवल मिल गया सेम, ये डिजाइन नहीं दिखती ना ऊपर, ऊपर तो प्लेन ही दिखता है पानी, तो ये प्लेन दिख रहा है पानी, अब यहाँ पे फ्लो हो रहा है पानी। अब देखिए आप कि अगर इस पॉइंट से हम बात करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जितना पानी आ रहा है उतने ही पानी इधर निकल रहा है, चाहे गड्ढा हो चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, क्योंकि अगर ना निकल रहा होता तो कहीं स्टोर हो रहा होता। अगर यहां से 1000 लीटर जा रहा है, आ रहा पीछे से, और यहां निकल रहा है 900 लीटर, आपने कहा गड्ढा है सर भरता है, तो अगर गड्ढा भरता है तो एक दिन बाद तो बहुत बड़ा स्टोरेज हो जाना चाहिए, यहां 24 घंटे में कितना लीटर पानी आ जाएगा,
बहुत ज्यादा लीटर, मेरी बात समझ में आ रही? 1000 लीटर आता है और एक घंटे में 900 लीटर निकलता है, ऐसा आप बोलते हैं अगर, तो 100 लीटर तो कहीं रुकता होगा ना एक घंटे में, तो एक महीने में तो अच्छा खासा पानी इकट्ठा हो जाना चाहिए। यहाँ कहाँ है पानी? वो कहीं नहीं। एक साल बाद तो अच्छा खासा पानी मिल जाएगा हमें, लेकिन कहीं स्टोरेज नहीं है। वर्णिता है मेरे साथ? तो स्टोरेज नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जितना पानी आता है उतना ही पानी निकलता है। अब देखिए, अगर पानी निकलता है और आता है, सारी बातें अपनी जगह हैं, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है हमको। ये बताता है कि यहाँ पर ये एरिया लेते हैं हम लोग, ऐसे देखने ना एरिया होगा एक, इस एरिया को मानते हैं A1। समझ में आ रहा है एरिया? और यहां पर पानी का रफ्तार होगा, फ्लो का, उसका वेलोसिटी मान लेते हैं V1। ये गड्ढा आ गया, यहां ऊंचाई ले लेते हैं, ये एरिया इससे कम है, ऊंचा है ना, इसका वेलोसिटी V2। ये बहुत तगड़ा गड्ढा आ गया, अंदर कोई कुछ है, तो यहां पर एरिया आ गया A3 और वेलोसिटी आ गई V3। ऐसे तरह तरह के ले सकते हैं आप, जितने मन चाहे उतने ले सकते हैं। यहां से कितना पानी निकला, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे V बना देते हैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। व्हाट इज दिस V? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसको कैलकुलेट करना चाहें अभिषेक, अनुराग, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अनुराग? एक सेकंड में कितना वॉल्यूम निकला? V1 इंटू A1। एरिया तो वही है, एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब वेलोसिटी, तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम बना? V के बराबर V1 इंटू A1। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, क्योंकि पानी कहीं ठहरता नहीं, ठहरने का मतलब है कि स्टॉक तो नहीं हो रहा है ना, तो यहां इस केस में क्या बन जाएगा? ये V2 इंटू A2, तभी V बनेगा। और तीसरे केस में भी क्या बन जाएगा? V3 इंटू A3 बन गया। और यही प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी एक सेकंड में जा रहा है। अब इसमें एक चीज और गौर करने वाली है निरुपमा, कि जहां पर A2 लेते हैं, जहां पर हमारा एरिया कम है, वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा या कम? निरुपमा, ज्यादा, तभी दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा। कोई नंबर 10 है, तो अगर दूसरा नंबर हमने कह दिया 5, एक को लिख देते हैं क्या हम 2 इंटू 5, और इस वाले नंबर को, यानी जो एरिया है, एरिया यहां कम हो गया ना, तो अगर एरिया कम हो गया, एरिया हो गया 1, 5 की जगह लिख दो, एरिया हो गया 1, तो इसको क्या होना पड़ेगा? बड़ा, यानी इसको होना पड़ेगा 10। तो जब एरिया A2 हो गया कम, तो वेलोसिटी क्या बनेगी? हाई। और जहां एरिया हो गया ज्यादा, वहां वेलोसिटी कम। जहां पर क्या मतलब समझे, जहां पर गहराई ज्यादा, डेप्थ ज्यादा, वहां पर टीना वेलोसिटी कैसी? कम। और जहां पर डेप्थ कम, वहां पे वेलोसिटी प्रशांत ज्यादा। तो अगर आपको नदी में कुछ पार्ट्स में पानी का फ्लो तेज दिखे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां की डेप्थ ज्यादा नहीं है, डेप्थ ज्यादा नहीं है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ गई है। और कहीं पानी शांत दिखे, तो आप समझ लीजिए बहुत तगड़ी गहराई है इसमें। विद्वान लोग, जिनके पास ज्ञान ज्यादा होता है, वो शांत होते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज होता है, ज्यादा मेहनत करता है मोहित, वो शांति बनाए रखता है, शांत। और एक होता है, दो चार क्वेश्चन लगा के आता है, पूरा बवाल क्लास में मचा देता है। सब ऐसे प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं हर क्लास में, आपको मिलेंगे साथी आपके, कि कभी कभी वो कुछ पढ़ा है तो सर के बोलने से पहले ही लगे हुए हैं,
हाथ उठाए जाए जबरदस्ती लगे हुए कमेंट करने, ऐसा होता है कि थोड़ा पढ़ लिया उनको लगा सब आ गया, बोलते ना अधगल अध जल गगरी छलकत जाए। क्या मतलब है कि गगरी मतलब घड़ा समझ लीजिए, घड़े में अगर पानी आधा हो, हिंदी का ये क्या बोलेंगे मुहावरा बोलेंगे, तो पानी अगर आधा हो लेके चलें तो छलकता बहुत है। जब नॉलेज कम होती है, आधा चैप्टर पढ़ा उछलने लगे चार क्वेश्चन लगा के सोचा सब आ गया, तो बहुत उछलाव आता है। और जब आप उसको भर देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि उसमें छलकपन नहीं रह जाता, तब आप जानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको आता है, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब डेप्थ ज़्यादा होगी नॉलेज की, ये तो जनरल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका शांत होगा यानी वेलोसिटी कम होगी। बात समझ में आती है, जहाँ पे डेप्थ कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बात पकड़ में आई? ठीक। एरिया क्या है? ये हमने तो ऐसे दिखाया ना, नदी तो ऐसे, ये समझ लीजिए ये जो दरवाजा है इस दरवाजे से पानी आ रहा है, आप उधर से देख रही, तो अगर एरिया बताना पड़ेगा ना, तो मैं चकोर बनाऊंगा अभी तो आपको मेरी उंगली कैसी नजर आ रही है, एक उंगली दिख रही होगी इस समय, अगर एकदम सीधी आपकी लाइन में कर दें एक उंगली दिख रही, लेकिन बेसिक क्या एक उंगली है क्या ये? नहीं है, ये तो पूरा एरिया है, इसलिए ऐसा दिखाया है ये ऐसा। बात समझ में आ रही है ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये भाई दरवाजा है, पानी आ रहा है, तो पानी का एरिया तो ये हथेली जैसा है, लेकिन आप साइड से देख रहे हैं ना तो आपको ये लकीर दिख रही, वरना ये क्या है? ये एरिया। पकड़ में आती है बात? अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है ये केवल स्ट्रीम लाइन फ्लो में होती है, टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा कुछ नहीं होता, टर्बुलेंट फ्लो तो टर्बुलेंट ही होता है। तो ये किस केस के लिए बातें की जा रही हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए। ये ध्यान रखिएगा ये किसकी किस केस में एप्लीकेबल है, स्ट्रीम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कब वैलिड है? स्ट्रीम लाइन फ्लो में। स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या कभी दो धाराएं एक दूसरे को कट कर सकती हैं, इंटरसेक्ट? आंसर नहीं। यहां पर जो फ्लो हो रहा होगा, देखिए आप समझदार हैं, ये धारा चल रही है, धार स्ट्रीम लाइन ये जा रही है, इसे समझ पा रहे हैं ना? अगर यहां की ये एरिया कम हो गया तो इस कम एरिया में इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं की है, ये कम जगह में स्पीड बढ़ा ली लोनी, ये पास पास आ गई है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ तो रही है कि एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर कर गई, इंटरसेक्ट कर गई ना, वो पास पास आ गई, और जहां एरिया ज्यादा मिला वो दूर दूर चली गई, अपनी स्पेस को भरपूर यूज किया उन्होंने। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ कि ये वाली जो लाइन चल रही है ये इसके बाजू वाली, ये नंबर वन नंबर टू, नंबर टू नंबर वन को क्रॉस कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, कभी नहीं। बात पूरी तौर पे समझ में आ रही है ना क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो टू स्ट्रीम लाइन फ्लो, चाहो तो लिख लो नोट करके, टू स्ट्रीम लाइन फ्लो विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये है बहुत सरल सी बात, लेकिन किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा। स्टीम टू स्टीम लाइन फ्लो विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, किसी भी केस के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यहां क्या हुआ समझ पाए ना, ये पास पास आई वेलोसिटी बढ़ गई, और जहां पर डेप्थ मिली वहां पर ये दूर दूर चली गई, वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन किसी ने एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं किया, अपने रास्ता बना के चली जा रही है, जैसे चल रही है लहर टाइप चल रही है, लहर टाइप चल रही है, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी बर्नौलीस प्रिंसिपल का प्रूफ और क्या होता है ये देखना था हमको, लेकिन वो नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे, अभी खींचने में जल्दीबाजी में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का जो कोर्स चल रहा है वो हमें नहीं लगता कि हम लोग पीछे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो हड़बड़ी करने का कोई मतलब नहीं। किसी के स्कूल में इससे आगे पढ़ाया जा रहा है क्या? ठीक। तो आज जाने से पहले, आप जा रहे हैं तो जाने से पहले हमको जरा थोड़ा 5 मिनट रिवाइज करा दीजिए, तो थोड़ा सा भरोसा हो जाए अपने को कि क्या
क्या बातचीत आज हुई है। हाँ रवि बेटा, कहाँ शुरू हुए थे हम लोग? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से शुरू हुए थे, वैगन फोर्स से शुरू हुए थे। तो वैगन फोर्स क्या होता है अगर बात करें कृति? तेज बोलना। उसे वैगन फोर्स कहेंगे, ठीक। उस वैगन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है वर्णिता? डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर। एक फॉर्मूला छोटा सा बन गया, तो फॉर्मूला क्या बनाता है उसी? ये तो वैगन फोर्स क्या होता है ये बताया आपने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं बताया आपने। नहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ही नहीं इसमें कुछ। ये तो व्हाट इज वैगन फोर्स का आंसर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ नहीं बताया इसमें आपने। ये तो क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये बताइए आप, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। अरे वो तो कहानी है यार, हमने बताई आपको यार, प्रिंसिपल थोड़ी है वो, तो हमने स्टोरी सुनाई कि वाकई ये स्टोरी झूठ नहीं है, सच है, ऐसा हुआ था। उसी बात पे यूरेका मोमेंट भी बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में एक टर्म आता है यूरेका मोमेंट, मोमेंट क्षण। क्या मतलब होता है मालूम है आपको? क्या मतलब होता है इंग्लिश में जब यूरेका मोमेंट आता है, मोमेंट आता है, तो उसका मतलब होता है जीवन का वो क्षण जो आपकी कल्पना से भी परे था, इतना सुखमय था वो। गोल्डन मोमेंट बोलते हैं ना, उसे चार गोल्ड लगा दीजिए, यूरेका मोमेंट मतलब आपने सोचा ही नहीं था, आप सोचने सोचा ही नहीं था कि आप मोदी से मिलेंगे, और मोदी घर पे बैठे, आपके घर गए आप, वही फ्लैट हो गए, मोदी साहब घर में बैठे हुए, पापा हिल रहे हैं, पड़ोसी तहलका मचा चुके हैं, एक मेरे घर में मोदी साहब आ गए। कुछ ऐसा अगर हो जाए अचानक, तो दो चार तो वहीं गश खा के गिर जाएं, ये कहाँ आ गए भाई, या अमिताभ बच्चन का बर्थडे 11 तारीख है, वो आपके घर आपसे ममता से मिलने घर पहुंच जाएं, ममता जी मैं तुम्हें ढूंढना था, आप मिल गई आज, तो ये होगा ना एक यूरेका मोमेंट। क्योंकि हमारा भी दिल करता है कभी मिले तो हम उनके कम से कम एक बार सेकंड कर लें, इतना महान आदमी है, बड़ा बड़ा हम्बल है, देखने से तो ही लगता है, कहीं ऐसे उसके सेंटेंस से कभी कुछ लफड़ा ऐसा दिखता नहीं, और 75 इयर्स के हो गए, इतना बड़ा और अपने आप को इतना कैरी करने वाला। तो यूरेका मोमेंट इंग्लिश में वो वर्ड कहा जाता है, यूरेका मोमेंट का मतलब जीवन का वो क्षण जो आपके लिए एकदम अकल्पनीय हो, अच्छे सेंस में, ऐसा नहीं अकल्पनीय का मतलब कि घर पहुंचे हो देखा कुछ कुछ, मतलब पॉजिटिव सेंस में हम बता रहे हैं आपको, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताओ तुम अनुराग, तब जाओगे तुम आज पैकिंग में लगे हुए हो, हाँ लो कह रहे पता नहीं। हाँ बेटा आप बता दो। हाँ जी भाई, थोड़ा सा आप जब लिखते हैं या बताते हैं तो थोड़ा तालमेल जरूरी है शब्दों का, सेंटेंस का, वरना मीनिंग कुछ और निकल आएगा उसका। जो भी है निरुपमा बेटा, सुनो निरुपमा जी बोलने जा रही है। सबमर्ज करते हैं, इमर्ज मतलब निकलना, समझना डुबोना। गलत, बहुत गड़बड़ हुई भाई जी। ममता जी तेज बोल दीजिए कृपया करके। गलत, देखिए आप लोग इतने 11th में हैं, 9th की बातें
और एक ही आदमी सही बताया अभी तक लग रहा है। हाँ मेगा, इससे पूरी उम्मीद है हमको। हाँ मेगा जी, कैसे बताइए, आप बताइए अपना आंसर, जिसका है वो है, आप अपना आंसर बताइए। अच्छा बताइए। हाँ ये यही बात आप लोग भूल जा रहे हो, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आप फाइनल स्टेटमेंट देते हैं, फिर क्लोज करेंगे क्लास, जब आप किसी बॉडी को फुली या पार्शली फ्लूइड में सबमर्स्ड करते हैं, तब वो फ्लूइड डिस्प्लेस होता है। तो जब डिस्प्लेस होता है, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होगा, उसी के बराबर बायगेंड फोर्स लगेगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके वेट के बराबर, वॉल्यूम के बराबर नहीं निरुपमा, और उसके बराबर कहना भी ठीक नहीं बनता, उसके वेट के बराबर। वेट देखिए, मुझे आपको एहसास होगा, वेट याद भी रह गए ना, तो वेट, इस वेट को ना भूले आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम।